मेरा नाम माधव कोहली है, मैं एक फुल टाइम आर्टिस्ट हूँ। आजकल इंटरनेट आर्ट बना रहा हूँ, डिजिटल आर्ट बना रहा हूँ। ये कलेक्शन का मतलब था दिखाना कि कितने इनएक्यूरेट होते हैं हमारे ख्याल। हम जब इंडिया के बारे में सोचते हैं कि एक ऐसे स्टेट का इंसान जो मैं कभी शायद जाऊंगा भी नहीं, कैसा दिखता है, तो हम एक मेंटल इमेज बनाते हैं हमारे दिमाग में, हम उसको विजुलाइज करते हैं क्योंकि हम इंसान ही ऐसे होते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं जब हम इसको बाहर देखेंगे अपने दिमाग के बाहर, ये कितनी गलत लगेगी। लोगों को लगा मैं ऐसा सोचता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दूसरे लोग भी ऐसा सोचें, जिसके लिए उनको लगा मैं ये स्टीरियोटाइप से गलतफहमी फैलाना चाहता हूँ पूरे देश में, जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मिडजर्नी से आप चैट कर सकते हो, जिसमें आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो इमेजेस बनाना। उसमें आपको प्रॉम्प्ट्स डालने पड़ते हैं /imagine करके। पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग जो है ये इस एल्गोरिदम की है, जो अगेन बहुत सारी इमेजेस को रेफर करता है और खुद से समझने की कोशिश करता है कि ये नुआंस क्या हो। I wouldn't call it art. It's just computer generated images for me. AI के पास हो सकता है बहुत सालों का डेटा है, पर फॉर एवरी आर्टिस्ट, उस हर आर्टिस्ट ने एक अलग ज़िंदगी जी है, तो उसकी पेंटिंग उसकी ज़िंदगी का एक मेमोर है, उसका एक प्रदर्शन है जो अभी तक कंप्यूटर ने नहीं जिया है। लोगों की इमेजेस उठा के एक इमेज बना रहे हैं, उनसे डेटा लेके, उनसे आइडिया लेके। टेक्निकल टर्म में इसको आप स्टीलिंग बोल सकते हैं। आज तक जब तक हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, एआई ने कोई भी कॉपीराइट लॉ इन्फ्रिंज नहीं किया है, कोई भी कॉपीराइट नहीं तोड़ा है, किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं चुराई है। एआई का समझने का तरीका इज़ डेटा यूज़ करना। डेटा मतलब आर्ट की दुनिया में दूसरों का काम। हम एक जब बच्चा नया आर्टिस्ट बनना चाहता है तो वो दूसरों की पेंटिंग देख के समझता है कि पेंटिंग कैसे करी जाती है। एआई एकदम उस बच्चे की तरह बहुत सारे आर्टिस्ट की पेंटिंग्स लेता है, उनमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करता है जो बाइनरी में होती है। उसको आर्ट समझ नहीं आता, उसको सिर्फ उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि ऐसे सर्टन कीवर्ड्स के साथ इस तरह का आर्ट दिखाया जाता है। जो डेटा आप फीड कर रहे हैं मशीन में या मॉडल में या प्लेटफॉर्म में, तो वो तो दूसरों का है। अब आप कहाँ तक एक्नॉलेज करेंगे या कॉपीराइट उनकी उनकी आप संभाल के रखेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसको एक दर्जा देंगे, उसकी एक अहमियत होगी, तो वो मेरे ख्याल से इतनी बड़ी और व्यापक है ये। इट इज लाइक अ यू नो इट्स द अदर साइड ऑफ द ब्लैक होल एक्चुअली दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हो सकता है कि आप ऐसी पेंटिंग बना दें जो बिक जाए, पर ये उतना उतना ही सिंपल फ़र्क है जो आप एक मशीन मेड कपड़ा पहनेंगे या फिर हैंड क्राफ्टेड पहनेंगे। वो जो हैंड क्राफ्टेड है, उसने उसने अपने स्किल के साथ साथ उसने ज़िंदगी में क्या एक्सपीरियंस किया वो भी लगाया है।